हेलो, आज का वीडियो होगा आपके नाम, क्योंकि आज हम करेंगे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के बेस्ट स्मार्ट टीवी का कंपैरिजन, जो कि होगा शाओमी की तरफ से आने वाला ये शाओमी ए सीरीज एंड उसके साथ एसर की तरफ से आने वाला एसर एडवांस आई सीरीज। तो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फोड़ देंगे आज तो। तो भाई लोग डिजाइन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे शाओमी का आप पैनल देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। शाओमी का लोगो नीचे आपको मिलेगा एंड वैसे ही आपको एसर का ये पैनल दिखाई दे रहा होगा, एसर का भी लोगो आपको नीचे दिखाई देगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, जब भी आप स्टैंड के ऊपर दोनों को भी रेस्ट करते हो, आप देख सकते हो शाओमी का जो स्मार्ट टीवी है थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई देगा हाइट में एंड एसर का थोड़ा सा ऊपर लगता है। तो जो भी डायरेक्टली स्मार्ट टीवी को देखेगा तो वो डेफिनेटली ऐसे बोलोगे कि ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में, क्योंकि ऐसे इल्यूजन हो जाता है। बट दोनों भी 32 इंच के स्मार्ट टीवी है। उसके साथ बैक पैनल यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल सा बैक पैनल आता है। एसर का जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा साइज में कम आता है, यमाई का जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा बड़ा आता है, बट इतना मेजर कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। एंड उसके साथ दोनों के भी स्पीकर जो है वो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा, डाउन फायरिंग स्पीकर आते हैं। दोस्तों बिल्ड के बारे में बात करें तो दोनों की भी बिल्ड मुझे काफी ज्यादा सिमिलर से लगी, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। दोनों भी स्मार्ट टीवी को आप हाथ में उठाओगे तो आपको सेम ही वेट वहां पे दिखाई देगा, तो ऐसा मेजर डिफरेंस कोई नहीं है। हाँ, बट एक डिफरेंस मेजर आता है, वो है इनके स्टैंड का। एसर का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा मुझे प्लास्टिक, मतलब चीप सा प्लास्टिक लगा। जब भी आप इसको रेस्ट करते हो यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टडी नहीं लगता, लेकिन शाओमी का जो स्टैंड है भाई वो काफी ज्यादा स्टडी है, हिलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, काफी अच्छी तरीके से टेबल के ऊपर रह जाता है। भाई लोग स्मार्ट टीवी लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी देखना पड़ेगा, वरना आपके पापा भी बोल देंगे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो शाओमी की बात करें तो ये 3 स्टार के साथ आता है, जो कि ईयरली कंजम्पशन इसका 50 किलोवाट पर ईयर है। एंड एसर की बात करें तो ये 2 स्टार स्मार्ट टीवी आता है, जो कि 61 किलोवाट पर ईयर का कंजम्पशन करता है। तो ये पहले ध्यान में रखो एंड उसके बाद इनको परचेस करो। अभी दोस्तों पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, दोनों में आपको सिमिलर से पोर्ट मिलता है, बट एक चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, शाओमी के जो पोर्ट्स अरेंजमेंट है भाई एक नंबर बनाए गए हैं एंड पोर्ट्स के साथ साथ उनके नाम भी लिखे गए, तो जो भी न्यूबी आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे सारी चीजें कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन एसर का जो है पोर्ट्स अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं है एंड नाम भी लिखे नहीं गए, तो जो नए लोग होंगे या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकते हैं। दोनों में भी आपको यूएसबी 2.0 के 2 पोर्ट्स मिलते हैं, एवी इनपुट्स आपको दोनों में भी मिलते हैं, लेकिन शाओमी में आपको इंटीग्रेटेड पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन एसर में आपको कुछ इस तरीके के केबल मिलते हैं। यहाँ पे वो डायरेक्टली आप इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हो। HDMI के 2 पोर्ट्स आपको दोनों में भी मिलते हैं। यहाँ पे आप आपका प्ले स्टेशन या फिर आपका लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। इथरनेट के पोर्ट दोनों में भी आपको मिलते हैं, एंटीना का पोर्ट भी आपको दोनों में मिलेगा एंड हेडफोन जैक के पोर्ट्स भी आपको दोनों में भी मिलेंगे। दोस्तों अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, जो कि है इन दोनों का डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों भी 32 इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं, दोनों भी HD रेडी है। उसके साथ दोनों का भी पिक्सल रिजोल्यूशन जो है वो 1366x768 पिक्सल के साथ आता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप बेजल्स भी देखोगे, आपको दोनों में सेम ही बेजल्स दिखाई देंगे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों भी 60Hz के पैनल के साथ आते हैं एंड दोनों में भी आपको 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिलता है। तो अगर आप इस साइड से देखोगे तो भी आपको सेम ही फुटेज दिखाई देगा, इस साइड से देखोगे तो भी आपको सेम ही फुटेज दिखाई देगा, कलर में कोई चेंज वहां पे नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं ब्राइटनेस के बारे में, यहाँ पे आता है सबसे बड़ा चेंज। शाओमी का जो स्मार्ट टीवी है वो इनिशियली बहुत ही कम ब्राइटनेस के साथ आता है, अभी आप कंपेयर करके देख सकते हो, आपको ये जो एसर का स्मार्ट टीवी है काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा होगा। दोनों भी 50% ब्राइटनेस के ऊपर है, बट फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी कम ब्राइटनेस दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा होगा। तो उस वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे एप्स है या फिर जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आपको थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देगा। अगर आपकी रूम भी बहुत ज्यादा ब्राइट होगी या फिर सनलाइट भी आ रही होगी तो यहाँ पे आप अच्छे से कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पे जो है अगर बहुत ज्यादा ब्राइट रूम होगी, बहुत ज्यादा सनलाइट होगी, तब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ब्राइटनेस कम है। दोस्तों मैंने दोनों भी स्मार्ट टीवी के ऊपर सेम ही क्लिप लगाई, आप यहाँ पे फुटेज देख के बता सकते हो कि कलर्स किसके अच्छे हैं एंड किसके नेचुरल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाओमी के जो कलर्स है थोड़े से कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, कलरफुल डिस्प्ले आपको दिखाई देता है। अगर आप एसर का डिस्प्ले देखोगे थोड़े से नेचुरल से कलर दिखाई दे रहे, डिटेलिंग थोड़ी सी ज्यादा आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे
ये जो डिस्प्ले है देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा डिटेलिंग की वजह से थोड़ा सा ये वाला डिस्प्ले जो है एसर का वो पिक्सेलेटेड लगना स्टार्ट होता है। लेकिन Xiaomi का भी आपको अगर आप नजदीक से देखोगे आपको पिक्सेलेटेड लगेगा डिस्प्ले, क्योंकि 720p का जो है रिजोल्यूशन आपको मिलता है, तो उस वजह से जो है ये थोड़ा सा पिक्सेलेटेड लगेगा, बट फुटेज जो देख रहे हो आप, आपको काफी ज्यादा अच्छी फुटेज यहाँ पे दिखाई देगी। दोस्तों इवन स्मार्ट टीवी के ऊपर जो ब्लैक्स है उसमें आपको थोड़ा सा व्हाइट टिंट दिखाई देगा दोनों भी स्मार्ट टीवी के ऊपर, प्योर पिच ब्लैक आपको दोनों भी स्मार्ट टीवी के ऊपर नहीं मिलेगा। बाकी ऑल द वे मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको सैचुरेटेड कलर्स थोड़े से पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो आप Xiaomi की तरफ जा सकते हो, एंड अगर थोड़े से नेचुरल कलर आपको चाहिए तो भाई आप Acer स्मार्ट टीवी ले सकते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं रिमोट्स के बारे में, तो दोनों में भी आपको स्मार्ट रिमोट मिलते हैं, बट Xiaomi का रिमोट यहाँ पे देखो भाई कम बटन आपको मिलते हैं, काफी एक एलिगेंट सा रिमोट पूरा दिखा देता है। लेकिन Acer का रिमोट देखोगे थोड़ा सा मतलब बड़ा है, इसकी थिकनेस भी काफी ज्यादा बड़ी है। Xiaomi का रिमोट जो है काफी ज्यादा छोटा सा आता है, हाथ में भी लेने में काफी अच्छा लगता है। इवन यहाँ पे देख सकते हो आपको मिनिमम बटन मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं, बट यहाँ पे और एक चीज मैं बोलता हूँ, यहाँ से जो है डायरेक्टली आप सेटिंग वगैरह सारी चीजें ओपन कर सकते हो जो कि इसमें नहीं है, एंड नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारे बटन आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स वगैरह यहाँ से ओपन कर सकते हो। वही सेम बटन आपको इसमें भी मिलते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड हॉटस्टार वगैरह डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपको दोनों में भी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा सा वो टेस्ट करके देखते हैं। YouTube. तो डायरेक्टली YouTube यहाँ पे ओपन हो चुका है, अभी Xiaomi के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। YouTube. Here's YouTube on the Google Play Store. तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है, Acer के ऊपर डायरेक्टली जो ऐप है वो ओपन हो जाता है, लेकिन Xiaomi के ऊपर वो डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों UI के बारे में बात करें तो दोनों में भी आपको काफी सीमलेस UI दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, काफी फास्ट रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा स्टोरेज भर जाएगा तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग मिलेगा, बट ऑल द वे यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से दोनों भी वर्क करते हैं। बट Xiaomi के पास एक और चीज है जो कि है पैच वॉल, इनका खुद का एक UI आता है पैच वॉल करके। इस पैच वॉल की वजह से जो जो नए शोज आते हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि Acer में आपको नहीं मिलता, आपको Acer में वो शोज ढूंढने पड़ेंगे। पैच वॉल में आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से जो है शोज कस्टमाइज किए जाते हैं, आपको जो जो शोज अच्छे लगते हैं वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। इवन अगर आप कोई भी शो बीच में छोड़ चले गए तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एंड डायरेक्टली आप वहां से इसको रिज्यूम कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों अभी सारी टेस्टिंग तो हो चुकी है, अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोनों में भी आपको 1.5 GB की रैम मिलते हैं, एंड उसके साथ यहाँ पे Xiaomi के ऊपर आपको 8 GB की रॉम मिलती है, मतलब स्टोरेज आपको मिलता है, एंड Acer में आपको 16 GB का स्टोरेज मिलता है। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो आपको Acer में मिलेगा, थोड़े से वीडियोस वगैरह अगर आप मूवीज वगैरह स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज है कि इसमें जो है आपको 20 W के स्पीकर मिलते हैं, एंड Acer में आपको 30 W के स्पीकर मिलता है। तो भाई डेफिनेटली ये वाला स्मार्ट टीवी काफी ज्यादा लाउड है कंपेयर करें हम Xiaomi के साथ। तो थोड़ा सा एक टेस्ट भी कर लेते हैं, आपको भी समझ में आ गया कि कौन सा स्मार्ट टीवी बहुत ज्यादा लाउड है। अभी दोस्तों आपने दोनों भी स्मार्ट टीवी का आवाज यहाँ पे सुन लिया होगा। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे Xiaomi का जो आवाज है वो इतना ज्यादा लाउड नहीं है, बट जितना भी है वो काफी ज्यादा क्लियर आता है, बेस वगैरह काफी अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन मिलता है, 100% वॉल्यूम के ऊपर आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे Xiaomi के अंदर नहीं मिलता, क्लियर सा साउंड आता है। तो भाई साउंड के मामले में तो एक नंबर। एंड इवन सेटिंग के बारे में बात करें तो दोनों में आपको सेम से सेटिंग मिलते हैं, ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आपको डिफरेंट पिक्चर क्वालिटी जैसे कि विविड हो, स्टैंडर्ड हो, डायनेमिक हो, आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से जो है दोनों में भी आप सेट कर सकते हैं। इवन जो है आप साउंड क्वालिटी जो है आपके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ऐसी चीजें आपको दोनों भी स्मार्ट टीवी में मिलते हैं, बट जो कास्ट करने की चीज है वो यहाँ पे Acer में काफी सीमलेसली बनाई गई है। एक बटन आपको यहाँ पे दबाना है स्मार्ट करके, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपको
थोड़ा सा हासिल करना पड़ता है अगर आप अपना स्मार्टफोन वगैरह कास्ट करना चाहते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में, आपको कौन सा वाला स्मार्ट टीवी लेना चाहिए। वैसे बात करें तो दोनों भी स्मार्ट टीवी अपने अपने जगह पे काफी ज्यादा अच्छे है, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी Xiaomi के स्मार्ट टीवी के बारे में कि ये जो है थोड़ा सा सीमलेस बनाया गया, यूआई काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है, उसके साथ साथ जो पैच वॉल आपको मिलता है उसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, जो कि एसर में आपको नहीं मिलता। इवन एसर जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है कंपेयर करें हम Xiaomi के साथ, इस वजह से इसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है एसर से कंपेयर करें तो। एंड उसके साथ साथ मुझे पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी Xiaomi की कंपेयर करें हम एसर के साथ। तो डेफिनेटली आपका अगर बजट 12,000 या फिर 11,000 के आसपास है तो आप डेफिनेटली Xiaomi को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आप नहीं जा सकते 12,000 के आसपास, तो डेफिनेटली आप एसर को परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके आप ये Xiaomi का स्मार्ट टीवी खरीद सकते हो। इनके भाई बहुत सारे सर्विस सेंटर है, अगर इनकेस कुछ हुआ स्मार्ट टीवी को तो आपको इंस्टेंट रिपेयर वहां पे मिल जाएगा। लेकिन एसर अभी अभी जो है इस इंडस्ट्री में आया है टीवी के, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन Xiaomi आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सारे क्वेश्चंस हमने शायद से आंसर किए होंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम सारे के सारे उसके आंसर्स दे देंगे। तो मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।